ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया था। सर्कुलर मोशन में एंड एंड में हमने स्यूडो फोर्स वगैरह के एग्जांपल भी देखे थे। फिर मैंने आपको कहा था एक बार आप एससी वर्मा बुक से एंड एंड के क्वेश्चन देखना उसके, और सर्कुलर मोशन क्वेश्चन अच्छे से करिए। सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही ध्यान रखना होती है बच्चों कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज रिक्वायर्ड, ये लगता नहीं है, मतलब ये बाकी फोर्सेस देंगे। ये ऐसा कोई फोर्स नहीं जो आपको ऑब्जेक्ट पे लगा देना है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इट इज नोन टू यू दैट इट हैज सम एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन है ये आपको पता है, और क्या एक्सेलरेशन है वो भी आप लिख सकते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड दैट एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन पता होता है टुवर्ड द सेंटर क्या है, और फिर उससे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखकर चीजें कर देते हैं। तो ये मेन चीज होती है सर्कुलर मोशन में कि वहां पे एक्सेलरेशन नोन हो जाता है। कभी कभी सर्कुलर मोशन में के रिलेटिव हमको देखना पड़ जाता है, तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल से कॉन्सेप्ट अपन चीजें देख लेते हैं। चलिए, तो ये अपना कंप्लीट हो गया था सर्कुलर मोशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो वर्क पावर एनर्जी पढ़कर ही थोड़ा समझ में आता है। तो पहले वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आएंगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे फिर वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन पे आएंगे। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्क पावर एनर्जी। जब तक आप पहले तो कुछ भी अगर डाउट है सर्कुलर मोशन का तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट है तो सर्कुलर मोशन का पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। थ्योरी में कुछ भी समस्या हो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक डाउट आया था किसी बच्चे का, नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को किसका था। दो ब्लॉक थे, एक के ऊपर एक रखे हुए थे इस तरह से, नीचे सरफेस स्मूथ दी थी आपको, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया था, इनके मासेस दिए हुए थे, और यहाँ पूछा था फोर्स क्या होना चाहिए जिससे इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। आपने पूछा था शायद यहाँ पे कि वॉट फॉर वॉट एफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स बिटवीन M1 एंड M2 विल स्टार्ट, रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगी दोनों ब्लॉक के बीच में, आपसे पूछा था। तो इसको एक बार, हाँ वर्षा ने पूछा था, ओके। तो इसको कैसे करना है, वर्षा ने शायद ये कर दिया था कि बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी मैक्सिमम वो लगाई, वो निकाली और सीधा वही बोल दिया कि वही फोर्स होना चाहिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में जब रिलेटिव मोशन करवाना है आपको तो पहले ये मान के चलो रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कंडीशन चेक करना है कोई सी भी हो, तो आपको पहले मान के चलना होता है रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ऑलवेज स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट रिलेटिव मोशन इज नॉट हैपनिंग। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन साथ में रखने की कोशिश करेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन है वो इनको साथ में रखने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ये मान के स्टार्ट करना चाहिए कि जो भी फ्रिक्शन चाहता है वो करने में वो सक्सेसफुल हो चुका है, यहां से स्टार्ट करना चाहिए। सो अज्यूम दैट बोथ आर मूविंग टुगेदर, इफ दैट इज द केस कि दोनों साथ में चल रहे तो दोनों का साथ में जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो आप इजीली लिख सकते हो। फोर्स F लग रहा है, मास इज M1 + M2 और नीचे ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है। अब अगर ये एक्सेलरेशन है तो किसी भी एक ब्लॉक को देख लो, सपोज मैंने M1 को देखा, M1 को देखेंगे आप तो उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बिटवीन द ब्लॉक, इन ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन, वही तो एक्सेलरेशन दे सकता है इसे, और कोई तो एक्सेलरेशन दे ही नहीं सकता इसे। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए M1 into A, और A की वैल्यू आपको पता है तो उसकी वैल्यू आपने निकाल दी। तो मैंने क्या करा, मैंने इन्हें साथ में रखने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाला, मैंने इन्हें साथ में रखने के लिए फ्रिक्शन जो चाहता है साथ में रखना वो अगर हो रहा है तो रिक्वायर्ड कितना है वो निकाला। फिर हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन टू स्टॉप रिलेटिव मोशन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ये कंडीशन लगा के बच्चों जो भी पूछा जाता है ना वो सब हो जाता है। जैसे यहाँ फोर्स पूछा है तो सब निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो इससे। फ्रिक्शन यहाँ रिक्वायर्ड जो है वो कितना है, इट इज M1F अपॉन M1 + M2, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू एन, म्यू दिया था क्वेश्चन में, और इनके बीच का एन जो हो जाएगा वो M1G हो जाएगा। यहाँ से फोर्स पर कंडीशन आ जाएगी और ये साथ में रखने की कंडीशन है
और आपसे रिलेटिव की पूछा है तो एफ ग्रेटर कर देना, इसको उल्टा कर देना। ये कंडीशन आ रही है रिलेटिव मोशन नहीं होने की, आपसे पूछा रिलेटिव मोशन हो जाए तो उस कंडीशन को उल्टा कर देना, ये लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन कर देना, तो हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके चलिए, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो सर। हाँ सर, सो सर्कुलर मोशन में एक क्वेश्चन होता है ना कि दो पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं तो व्हेन दे विल मीट, कुछ ओमेगा से वन से एक पार्टिकल चलता रहता है, ओमेगा टू से एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, दैट इज बाय लॉजिक ओनली। वो क्वेश्चन करना है तो उसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड कुछ तरीका नहीं होता है, बस बेसिक दिमाग लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें अगर मिलती है तो उनको एक ही समय पे एक ही जगह होना चाहिए, तभी मिलेगी। सही है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो अगर एक सर्कुलर पाथ है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे थे ऐसा मान लेते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि बी और ए दोनों मूव कर रहे थे, ए का मोशन ओमेगा वन से था, बी का मोशन ओमेगा टू से था। आपसे बोला कि वो टाइम बताओ जब दोनों मिलेंगे, तो अगर मिलेंगे तो ए चलते 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 सपोज यहाँ पहुंचा, एग्जाम्पल के लिए यहां मान लिया, और बी भी चलते चलते यहां पहुंच गया, तभी मिलेंगे ना। यस सर। है ना? तो बी अगर किसी टाइम पर यहां पहुंच रहा है, सो द एंगल कवर्ड बाय बी शुड बी ओमेगा टू टी, द एंगल कवर्ड बाय बी शुड बी ओमेगा टू इन टू टी, राइट? यस सर। यस सर। द एंगल कवर्ड बाय ए, ये वो क्या होना चाहिए? ओमेगा वन इन टू टी, ओमेगा वन इंटू टी, टी टाइम में ऐसा होना चाहिए। और इनमें क्या कंडीशन है, दोनों एंगल्स की कंडीशन क्या होगी? दोनों टू पाई शायद पूरा सर्कल कंप्लीट कर देंगे सर। ए इतना एंगल कवर कर रहा है, बी इतना एंगल कवर कर रहा है, क्या दिख रहा है इसमें कंडीशन आपको? फेज डिफरेंस पाई है। मतलब सही बोला, और अच्छे से करो। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 180, ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t इज इक्वल टू 180, या पार्ट। यस सर। ये आ गया समय, वो आ गया t टाइम जब दोनों मिलेंगे। आया? यस सर। तो क्या लगाया मैंने इसमें, क्या करा बताओ? द बेसिक लॉजिक कि अगर दो चीजें मिल रही है तो एक टाइम पे एक ही जगह होना चाहिए, तभी मिलेगी। सिंपल सी, अरे समझ में, सिंपल सी चीज। यस सर। ओके, और उसके लिए मैंने क्या करा, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, कितना कितना एंगल कवर करा है उन्होंने, और एंगल की जो कंडीशन मुझे दिखी वो लगा दी, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें फिजिक्स नहीं लगा कुछ क्वेश्चन में, इसमें फिजिक्स बस इतना सा था, एंगल लिखना, एंगल वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगल रोटेटेड होता है, तो ये फिजिक्स था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था फिजिक्स, उसके अलावा सब बेसिक लॉजिक। चलो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आना चाहिए बच्चे को, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसे फिजिक्स कितना लगा है, ये लिखना फिजिक्स है ना? और बाकी भाई इनका एंगल का रिलेशन तो आप देख के कोई भी समझा सकता है, अगर लॉजिकली समझ में आ रहा उसका, तो बस लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, बाकी तो सब हो जाता है। आगे पढ़ते, अब आज हमको मेनली स्टार्ट करना था वर्क पावर एनर्जी, सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक फॉर्मली, वर्क पावर एंड एनर्जी। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क। फिजिक्स इज नॉट, फिजिक्स में हम जनरल जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती है उन वर्ड्स में एक वेग सा मीनिंग होता है, बट इन फिजिक्स वी ट्राई टू क्वांटिफाई फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक नंबर असाइन करना चाहते हैं, उन्हें क्वांटिफाई करना चाहते हैं। जैसे एक पर्सन बोले मैं दिन भर बहुत काम करके आयो थक गया हूं, घर में महिलाएं जनरली किचन में काम करके बोलती मैं खाना पका के आज बहुत थक गई, आज घर में मुझे बहुत बर्तन मांजना पड़ गए, या इस तरह के जो भी घर के डेली कोर्स के जो काम होते हैं करने में थक गए। इंसान बोलते हैं कि मैं यहाँ से ड्राइव करके, कोई ड्राइवर है तो इंदौर से सपोज भोपाल ड्राइव करके गया, वापस आया तो भाई आधा दिन मेरा लग गया इसमें, थक गया मैं।
तो यहाँ उन वो लोग जो थकते हैं, वो थकने के लिए जो वर्क वहां वो डिसाइड काम करते हैं, वो काम डे टू डे लाइफ का वर्क, वो चीज फिजिक्स नहीं मानता। फिजिक्स में हम वर्क को अलग डेफिनेशन देते हैं। हमारा वर्क जो है यहाँ पे फिजिक्स में जो वर्क होता है इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। यहाँ जनरली मैकेनिकल वर्क पूरा सेंटेंस अगर कहे तो हम यहाँ मैकेनिकल वर्क क्या है वो निकालना चाहते हैं, और उसकी एक स्पेशल डेफिनेशन है हमारे। हम बोलते हैं कि कोई फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की वजह से कितना हो रहा है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो और उसको इंटीग्रेट कर दो। दिस इज हाउ वर्क इज डिफाइंड। वर्क इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई छोटा सा पार्टिकल है सपोज जिस पे आपने लगाया था फोर्स, और फोर्स की वजह से वो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो रहा है, तो छोटे से टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर ds वेक्टर है तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों के बीच का एंगल लिखो, उसका cos लिख दो। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड उनके बीच के एंगल का cos। ये ds cos थीटा अगर हम देखें तो ये वेक्टर का कंपोनेंट है। ds cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ds दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। सो दिस इज हाउ छोटे से फोर्स का छोटा सा वर्क आया, और इसी को हमने इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करा, इसी को हमने इंटीग्रेट करा मतलब ऐड करा। तो अगर हम अच्छे से एनालिसिस करके देखें तो वर्क की हमारी डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। And added for total motion or total displacement. Added क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने integration करा। Integration का मतलब होता है add करना, जोड़ना। Integration मतलब छोटी-छोटी quantities को add करके total quantity हम बना सकते हैं। ठीक है? So this is how work is defined in physics. Physics में work की एक proper definition है। अगर physics में कोई पूछे work कितना हुआ है, तो हम इस definition के हिसाब से work निकाल के बताएंगे। ठीक है? और जो हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की जो भी हमारा नोशन हमको पता है वो फिजिक्स में नहीं लगाना है हमको। फिजिक्स की वर्क की डेफिनेशन ये है, इसके हिसाब से फिजिक्स में आपका वर्क का आंसर होना चाहिए। सो हाउ वर्क इज डिफाइंड? वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के अलोंग कॉम्पोनेंट है उसको फोर्स मल्टीप्लाई करो और इस चीज को ना एडअप कर दो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए। पूरा जो भी मोशन हो रहा है ब्लॉक का उसके लिए यही चीज बार बार करो कि थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वो फोर्स से मल्टीप्लाई करो और इस चीज को ऐड कर दो फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज आवर वर्क इज ऑप्टेड। और इसी चीज को वर्ड्स को मैंने मैथमेटिकली यहाँ इस तरह से लिखा है, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है डेफिनेशन क्लियर हो रही है वर्क की? यस सर। ओके ठीक है। सो इस चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़ना थी, वर्क पावर एनर्जी। पहली चीज वर्क क्या होती है वो अभी हमने समझा। डायमेंशंस यूनिट्स ये सब क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू होती है, डिस्प्लेसमेंट एल होता है उसकी डायमेंशन एल, तो इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यूनिट्स ऐसा यूनिट जो होगी फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसी को हम जूल बोलते हैं। ठीक है, जूल को शॉर्ट में हम सिर्फ जे लिखते हैं, सो वन न्यूटन मीटर इज कॉल्ड वन जूल। ये होती है वर्क की एसआई यूनिट जूल्स। और बाकी ये स्केलर क्वांटिटी है ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमको स्केलर रिजल्ट मिलेगा, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी मिल सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फोर्स के उल्टा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना, बिल्कुल सही। और जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? दो चीजें का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है? जब दोनों परपेंडिकुलर हो। yes, जब दोनों परपेंडिकुलर हो, है ना। तो अब इससे एक चीज ये भी समझ में आ गई कि व्हेनेवर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट इट्स वर्क
विल बी जीरो. ऐसी कई बार सिचुएशन दिखती है हमको फिजिक्स में, जैसे कि कोई ब्लॉक होता है उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख के अगर हम आगे चलाए तो सरफेस की वजह से इस पर नॉर्मल फोर्स होता है और मोशन ब्लॉक का इधर होता है, तो इस तरह के नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या आने वाला है, जीरो. कई जगह ऐसा होगा कि आपको कुछ फोर्सेस का आपको वर्क डन जीरो मिलेगा. जैसे एक और एग्जांपल, सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल जो नेट फोर्स आता है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको अपन कंबाइंडली सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, और वो हमेशा सर्कल के पाथ के परपेंडिकुलर होगा. भाई रेडियस के डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. सर्कुलर मोशन में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा सर्कल के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग, और फोर्स सेंट्रीपेटल वाला तो सेंटर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, है ना. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो आएगा. सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन इन सर्कुलर मोशन हमेशा जीरो आएगा. आ रहा समझ में ये? यस सर. ओके, तो आपको कई सारी ऐसी सिचुएशन दिखेगी फिजिक्स में जहां पर आपको वर्क डन जीरो दिखेगा. चलो, तो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, कई एग्जांपल जीरो के भी देख लिया अपन ने, ठीक है. अब वर्क निकालना कैसे, तो वर्क निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला दिया ही था मैंने. अब इस फॉर्मूले को यूज करके वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें ना बहुत स्पेशल केसेस दे देते हैं, कुछ आसान केसेस दे देते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट फोर्स लगा देते हैं. हम ऑब्जेक्ट पर कॉन्स्टेंट फोर्स लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स होगा तो हम क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो, उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते, हम उस एफ को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते. तो एफ को अगर मैं यहां पे ओपन करूं, इसको लिख सकता हूं मैं एफ, मैं एक काम करता हूं रुकिए, इस एफ को मैंने इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख देता हूं, एफ एक्स इंटू आई, एफ वाई इंटू जे, एफ जेड इंटू के, इस तरह से लिख दिया मैंने फोर्स को, फोर्स के तीनों कॉम्पोनेंट इंटू आई जे के, ऐसा लिख दिया मैंने. फिर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो उसको लिख सकता हूं उसका एक्स कंपोनेंट आई, उसका वाई कंपोनेंट जे, उसका जेड कंपोनेंट के, ऐसा लिख सकता हूं ना. कोई भी वेक्टर को उसके तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट में तोड़ के लिख सकता हूं. और अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अब तो जब कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई वाले बस मल्टीप्लाई करके लिखना होते, जे और जे के जो कंपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई करके लिख देना होते हमको, फिर के और के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और इन सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है. इस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है कंपोनेंट फॉर्म्स में. अब फोर्स कांस्टेंट तो उसके ये कंपोनेंट भी कांस्टेंट, एफ एक्स इंटीग्रेशन के बाहर आया अंदर बचा ओनली डी एक्स, एफ वाई बाहर आया अंदर बचा डी वाई, एफ जेड बाहर आया अंदर बचा डी जेड. डी एक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, डी वाई मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, dz मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन. तो हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट x का, उसे हम डेल्टा x लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट y का और टोटल डिस्प्लेसमेंट z का. या इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स वेक्टर डॉट ये dx dy dz, इसको आप लिख सकते हैं ओवरऑल s वेक्टर, वेयर s वेक्टर इज x का displacement into i cap, y का displacement into j cap, z का displacement into k cap. तो जब constant force होता है ना, तो work निकालना आसान हो जाता है. आपको integration नहीं करना, सिर्फ constant force dot जो भी displacement हुआ है, displacement को उसके तीनों component के form में भी लिख के आप use कर सकते हो. तो constant force के लिए work निकालना is very easy. आ रही बात समझ में? बच्चों ये आया? यस सर. अभी बच्चे देख लीजिए. चलो तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ. कांस्टेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जी सर नोट कर लिया जो भी लिखा है बोर्ड पे? सर सेकंड क्लास स्टेप से समझा दीजिए सर. ये यस सर. डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो छोटे छोटे एक्स के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा सर. टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, उसको मैंने डेल्टा एक्स बोल दिया. यस सर. मतलब चीजों का सिंबल पे मत जाओ, हमने मीनिंग क्या है मीनिंग पे ध्यान दीजिए. dx का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करना. यस सर. एक्स के छोटे छोटे चेंज को ऐड करो तो टोटल चेंज इन एक्स आएगा, है ना.
किसी फिजिकल क्वांटिटी के छोटे छोटे से चेंजेस को जोड़ दो तो टोटल चेंज आ जाएगा. तो टोटल चेंज को नॉर्मली अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के चेंज को डेल्टा एक्स लिखते हैं अपन नॉर्मली. ये हमारा नोटेशन मैथ्स में ऐसा लिखा जाता है. डेल्टा एक्स मतलब एक्स का बड़ा चेंज हो गया, तो एक्स का बड़ा चेंज आ जाएगा ये इंटीग्रेशन. समझे? यस सर. ओके, एनी अदर डाउट? अच्छा लगा आपने पूछा, जो भी दिक्कत हो पूछना चाहिए बच्चों. किसी को कुछ भी समस्या? सर ये आपने इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर दिया है क्या, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो? हाँ मतलब कांस्टेंट फोर्स है तो क्या दिख रहा मुझे, जो भी फोर्स वेक्टर है वो आइडेंटिफाई करो, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आइडेंटिफाई करो, और वर्क निकालने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो. तो हमें वेक्टर्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखते आना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट करते आना चाहिए, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क आसानी से आ जाएगा फिर, है ना. हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा. मतलब बात ये हो रही कि डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा करके इंटीग्रेट मत करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कितना है उसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो उसका फोर्स के साथ, तो वर्क. चलिए तो मैं इधर इधर का पोर्शन हटा के मैं एक दो एग्जांपल देता हूं उसके. चलो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ब्लॉक को हवा में बस छोड़ दिया है, एम मास का ब्लॉक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जस्ट रिलीज कर दिया. बताओ टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका? इट इज जस्ट रिलीज्ड, उसको जस्ट छोड़ा था, रिलीज्ड मास एम को जस्ट छोड़ा है हमने ऊपर से, तो टी टाइम में कितना गिर जाएगा वो? हाफ जी टी स्क्वायर. वेरी गुड, है ना. यस सर. भाई इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, रिलीज करा तो u जीरो, हाफ जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट. अब मैं पूछ लू कि इस पे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टी टाइम, तो क्या आंसर होना चाहिए? मैंने पूछ लिया व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी इन टी टाइम. mg.s. और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते दोनों का मैग्नीट्यूड? भाई ग्रेविटी का फोर्स क्या लगता है इसको? mg, है ना, उसका मैग्नीट्यूड mg होता है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? हाफ जी टी स्क्वायर. इनके बीच में एंगल कितना है? इनकी डायरेक्शन mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो डायरेक्शन सेम है, तो cos 0. ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट. यस सर. क्या आ गया ये? mg t square by 2. आंसर वेरी सिंपल आया. यस सर. मैंने पूछ लिया कि ब्लॉक पर टी टाइम पे ग्रेविटी ने कितना वर्क कर दिया, तो टी टाइम में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है देखा, और हो गया क्वेश्चन. चलो और क्वेश्चन करते हैं. और क्वेश्चन करते हैं. कुछ भी समस्या हो तो आपको बोलना है बच्चों. हाँ आ गया ना पक्का ये? अच्छा अगर आ गया हो तो ही अगला क्वेश्चन. थोड़ा थोड़ा सा टफ कर रहा हूं मैं इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं. चलिए देखो, एक ब्लॉक है उसे मैंने एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है. ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन का बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है. ब्लॉक का मास मैंने दे दिया आपको 2 kg. ग्रेविटी ऑफ कोर्स नीचे की तरफ है, 10 m/s² ले सकते हो. उसे इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ा और इस तरफ टोटल 10 m नीचे आ सकता है, वो 10 m नीचे स्लाइड कर सकता है. चलो पहली चीज फाइंड, पहली चीज ड्रॉ एबिडी ऑफ ब्लॉक.
ब्लॉक का एबडी बनाएंगे। दूसरी चीज पॉइंट वर्क बाय ईच फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। For displacement of 10 meter down the incline. करिए ट्राई। एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 53 डिग्री दिया है मैंने, ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, ब्लॉक का मास 2 kg है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। पहली चीज इसका एफबीटी बनाना है। दूसरी चीज व्हाटएवर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक सबका वर्क डन निकालना है, जितने फोर्सेस लग रहे होंगे सबका वर्क क्या होगा। करिए ट्राई एक बार आप लोग। आंसर भी आने लग गया मेरे पास। वेरी गुड नवदीप। और भी आंसर आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के। गुड वेरी गुड। चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूं, एफबीटी बनाता हूं मैं ब्लॉक का, सारे फोर्सेस दिखा देता हूं उस पर। ग्रेविटी ऑफ कोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, एमजी का फोर्स ऐसा लगेगा, नॉर्मल ऐसा लगेगा, फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए इधर लग रहा होगा अगर वो नीचे स्लाइड कर रहा है तो, है ना। अब अगर स्लाइडिंग हो रही है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेफिनेटली फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। और वैसे भी चेक कर सकते हो आप, जो एंगल ऑफ रिपोज आएगा यहाँ पर, एंगल ऑफ रिपोज जो होगा टेन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज वो होता है म्यू 0.5, बट टेन ऑफ अवर एंगल 53 डिग्री के लिए टेन 53 वो होता है 4/3 विच इज 1.33। तो ये ज्यादा है, इंक्लाइन के एंगल का जो टेन है वो एंगल ऑफ रिपोज के टेन से ज्यादा है, मतलब इंक्लाइन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो डेफिनेटली स्लाइडिंग तो हो रही होगी। क्वेश्चन में हो भी रही है, बोला है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का करा है, मतलब हो ही रही स्लाइडिंग तो, ठीक है। तो ये मैंने तो ऐसे चेक कर लिया, पर देखिए दिया ही था क्वेश्चन में होगी स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग होती है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे लग जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। म्यू दिया हुआ है 0.5 और एन क्या होना चाहिए यहाँ पे, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एन बैलेंस कर रहा होगा, एम जी का ये कॉम्पोनेंट एक्सलेट करा रहा होगा, तो एम जी का ये कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए जो एन बैलेंस करेगा, which is it will be mg cos theta. You can put the values here to get the friction. So friction aa jayega mere paas mu mg m is 2 g is 10 cos 53. cos 53 shayad 3/5 hota hai, hai na, sin 53 4/5 hota hai, to ye 3/5 hota hai, so this is 3/5. theek hai, to main mera solve kar leta hu. ये 10 इंटू 0.5 5 बचा, 5/5 कैंसल, 3 इंटू 2 6 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। और इसका आधा कर दिया था ये अपने नॉर्मल का, तो मतलब नॉर्मल आ रहा होगा 12 न्यूटन,
तो सारे फोर्सेस लिख दिए मैंने, 12 न्यूटन का नॉर्मल है, फ्रिक्शन 6 न्यूटन है और mg कितना हो गया होगा 20। चलो सारे फोर्सेस दिख गए मुझे, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया क्वेश्चन में, है ना। अब बढ़ते आगे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द इंक्लाइन है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है अलोंग द इंक्लाइन, वो f 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एक एक फोर्स का वर्क निकालते, तो पहली चीज ए पार्ट वर्क बाय किससे स्टार्ट करो, नॉर्मल आसान है निकालना, उससे स्टार्ट करते। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आएगा, मेरे पास सही आंसर आया बच्चों, बताओ जल्दी, जीरो आएगा, वेरी गुड। क्यू नॉर्मल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, तो जीरो आ जाएगा, है ना। नॉर्मल फोर्स 12 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है और बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। चलो ए पार्ट आ गया नॉर्मल का वर्क डन। चलो बी पार्ट, वर्क डन बाय आप निकालते हैं एमजी, एमजी तो एमजी का फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 10 और दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, ये एंगल क्या रहा होगा 37, यस सर, है ना। तो इनटू cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, मैं भी cos 37 लिखता हूं, अगली स्टेप में उसे 4/5 कर लेना, तो 200 इनटू 4/5। सर mg का साइन कंपोनेंट नहीं लेंगे सर, मतलब आप ले सकते हो पर मैं क्यों लूं ये बताओ मुझे, कारण बताओ एक चीज, क्या सोच रहे हो आप, जो मेन कंपोनेंट रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रहेगा ना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो, पर मैं ये क्यों करूं सर, हम mg को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो फिर mg को नहीं देखेंगे ना सर, उसके कंपोनेंट को लेके वर्क निकालेंगे ना सर, कि नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं आप कर सकते हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको करने से, आपको कर सकते हो, पर मैं क्यों करूं, मुझे कारण बताओ, क्वेश्चन में मुझे ऐसा बोला है क्या कि mg का कंपोनेंट लेके वर्क निकालो, नो सर। तो कुछ कहा नहीं तो मैं क्यों कंपोनेंट लेके वर्क निकालू सर, वो उधर cos 37 की जगह sin 37 आना चाहिए ना, चेक कर लेते, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का, उनके बीच के एंगल का cos, सर cos 37 लिख दो या फिर वहां पे sin 37 सर, वो इंक्लाइन पर सर, वो 53 डिग्री होगा सर, 53 sin 53, ये एंगल कितना होगा, 53 होगा सर। अच्छा mg लग रहा है ना नीचे की तरफ, एंगल तो 37 ही होगा सर, वो 37 ही होगा सर, 37 ही है सर, हां ये 37 ही होगा ये तो, ठीक है अपना आंसर सेम आएगा, आप है ना वो mg का कंपोनेंट लेके करोगे तब भी वही आएगा, sin 53 या cos 37 एक ही है सर, हां। चलो तभी आगे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 10 हो गया, 0 कैंसिल, तो 20 इंटू 8 160 न्यूटन आने वाला है। और आखिरी पार्ट बच रहा है मेरे पास, सी फ्रिक्शन का वर्क डन। देखो असल में आप लोग जो बोल रहे हो ना, तो आप डेफिनेशन वाइज नहीं जा रहे हो ना, मैं एकदम बिल्कुल जैसा डेफिनेशन थी उससे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होती वर्क की, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो, उनके बीच के एंगल का कॉस लिखो, तो मैंने यही सिखाया आपको, तो इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। यस सर, वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही थी सर। नहीं वो सब बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है, बच्चों को ऐसा लगता है कि mg का कंपोनेंट लेते हैं अपन तो कंपोनेंट का वर्क निकालो, पर कंपोनेंट आप अपनी सहूलियत के लिए लेते हो, mg का कंपोनेंट आप, आपको अच्छा लगता है अगर कंपोनेंट लेके लिखो तो उससे आसान हो जाता है सॉल्व करना, पर लगता तो वो पूरा mg है, तो जब भी किसी फोर्स का वर्क निकालना तो वो इसी तरह से निकालना, बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन से निकालना, तो आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। चलो yes. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, दोनों की डायरेक्शन ध्यान से देखो एक दूसरे के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन उल्टा अपोजिट, तो cos pi तो आएगा -60, और जूल में आना चाहिए वर्क, ये न्यूटन क्यों लिखा मैं, जूल में आना चाहिए ये आंसर होना चाहिए, मेरे पास कई बच्चों के ये आंसर थे, सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिए, वेरी गुड। आया आपको कुछ भी समस्या, कहीं भी कोई भी दिक्कत, नो चलिए 90 किसी ने लिखा है, कमलेश 90 क्या लिखा है बेटा सर, वो एंगल लिखा था नॉर्मल का। अच्छा ठीक ओके, एक क्वेश्चन और,
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम. मेरे पास दो ब्लॉक्स है, दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम. कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम काफी भारी है, काफी बड़ा है स्मॉल एम से. ये आपको बता दिया मैंने कि कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, मतलब कि कैपिटल एम नीचे जा रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है. आगे बाकी रस्सी आइडियल है, पुली आइडियल है, सब कुछ आइडियल आइडियल सिचुएशन है. सिस्टम रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया मैंने. फाइंड द वर्क बाय रोप ऑन स्मॉल एम इन टाइम टी. टी टाइम में स्मॉल एम पर रोप कितना वर्क कर रही है बताइए. फाइंड द वर्क ऑन स्मॉल एम बाय रोप इन टी टाइम. करिए जल्दी से. चलो एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन आपसे, वर्क निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वर्क निकालने के लिए. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों की. यस सर. है ना. यस सर. हाँ तो आपको रोप का वर्क निकालना है. यस सर. आपको पता करना पड़ेगा कि रोप का फोर्स क्या है. टेंशन फोर्स. है ना. टेंशन निकालना पड़ेगा. टेंशन. यस सर. दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. यस सर. डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में दिया है. टी टाइम में. तो टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या. आपने ऐसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना सीखा है. यस सर. एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन आ जाएगा तो काइनेमेटिक्स से आप लगा सकते हो s = vt + half d2, उससे आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट. वो डायरेक्शन लिखी जाएगी आपको. फिर करो. सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं. Thank you.
देखो मैंने अभी सॉल्व करा था, आपने शायद देखा हो, मैंने यहाँ पे टेंशन टी स्टार्ट करा, माना यहाँ टी, यहाँ भी टी रहा होगा सेम ही रूप पे, यहाँ टी तो इधर टी बाई टू, टी बाई टू होना चाहिए, पुली आइडियल कही थी मैंने, तो ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए पुली के, टी बाई टू ऊपर तो नीचे टी। अब यहाँ टी बाई टू का टेंशन है, वही टेंशन इस पर टी बाई टू ऊपर लगेगा बाय कंस्टेंट रिलेशन। अगर इसका एक्सप्रेशन है तो इसका ए बाई टू आएगा, इसका एक्सप्रेशन है अगर ए है तो इसका ए बाई टू आएगा, या इसका अगर मैं एक्सप्रेशन ए मानू तो इसके एक्सप्रेशन से यहाँ पे दोनों तरफ ये पुली ऊपर कुछ जाएगी और यहाँ दोनों तरफ का स्लैक इधर आएगा, जो इसका एक्सप्रेशन है उसका डबल एक्सप्रेशन यहाँ होना चाहिए, है ना, कुछ गलत है अभी भी, डबल होना चाहिए तो टू ए होना चाहिए। यस सर, यस सर, हाँ हाँ टू ए होना चाहिए था इधर, बिल्कुल सही, अब सही है वो। वर्क टेंशन थ्योरम से ही निकाला है ना सर? हाँ, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो यही रिलेशन आने वाला है। तो अब मैं एक्सप्रेशन सही लिख देता हूँ, कैपिटल एम का मैंने 2a लिया है एक्सेलरेशन और स्मॉल एम का a लिया है, तो ये मैंने इक्वेशंस लिख दी एफबीडी देखकर। यहाँ पर कैपिटल एम जी का फोर्स नीचे था, t बाय 2 का टेंशन ऊपर था, तो कैपिटल एम जी माइनस t बाय 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस ब्लॉक को देखेंगे, टेंशन ऊपर नीचे स्मॉल एम जी, तो टेंशन माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशंस लिख दिया अपन ने। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दीज आर एडेड, तो ये t by 2 और ये t, ये सब कैंसिल जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mg minus mg, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4m आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 कैपिटल m minus small m into g by 4m, 4 times capital m plus small m, ये एक्सेलरेशन आ गया। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आप t भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, नाउ t इज स्मॉल m टाइम्स a प्लस g, दिस इज a, तो टेंशन ढूंढ लिया मैंने और एक्सेलरेशन भी ढूंढ लिया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं मैं, तो आ जाएगा स्मॉल m बाय 4 टाइम कैपिटल m प्लस स्मॉल m, 4 टाइम कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस दिस हो गया, तो आई विल गेट 6 टाइम कैपिटल m और माइनस ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा और इनटू में g बचेगा, तो टेंशन की वैल्यू आ रही है मेरे पास ये 6 स्मॉल m इनटू कैपिटल m अपॉन 4 कैपिटल m प्लस स्मॉल m इनटू g। क्या आपकी भी यही, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, कैन यू चेक इट, सही है क्या ये? इज इट करेक्ट सर? छोटे वाले ब्लॉक का a मतलब a होना चाहिए और उसका a by 2 होना चाहिए ना सर? He's right sir, छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है और इसका a by 2 होना चाहिए। Yes sir। टेंशन वर्क मेथड अगर लगाऊं मैं टेंशन वर्क मेथड लगाऊं, मान लेता हूं यहां का एक्सेलरेशन a1 था और यहां का एक्सेलरेशन a2 था। अब t into a1 ऊपर वाले ब्लॉक को देखा तो माइनस t by 2 into a2 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ रहा है a1 is equal to a2 by 2 या a2 equal to 2a1, यही होना चाहिए ना? यस सर, करेक्ट है सर। यस सर, डबल ही तो डबल आएगा, a1 मतलब फर्स्ट के एक्सेलरेशन का डबल, a2 आएगा, डबल आएगा, सही है। यस सर, ठीक है, और कुछ देख लो एक बार, बाकी इक्वेशन सही लिखी थी हमने, कैपिटल m पर कैपिटल mg नीचे, t by 2 ऊपर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 2a, स्मॉल m का देखा, स्मॉल m पे ऊपर टेंशन t, नीचे स्मॉल mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देन ऐड करा, तो 2 कैपिटल mg ये t by 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, t हो गया, ये t कैंसिल, माइनस स्मॉल mg 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4m प्लस स्मॉल m है, तो यहां से a आ गया 2m माइनस स्मॉल m * g अपॉन 4m प्लस स्मॉल m। नाउ दिस a कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड टेंशन उससे आ जाएगा, तो टेंशन m कॉमन लेके मैंने a + g कर दिया और a + g लिखा, अब ये LCM लेंगे तो ये ऊपर आएगा तो स्मॉल m और ये कैंसिल हो गया, 2m + 4m 6m आ जाएगा, तो ये टेंशन आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है सही है ना? यस सर, सही है, यही आ रहा है, एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, u तो था ही नहीं तो हाफ एक्सेलरेशन जो भी था ये रहा 2m माइनस स्मॉल m इनटू g अपॉन 4m प्लस स्मॉल m, ये आ गया एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट। अब वक्त निकालना है रोप के, रोप का
तो रोप का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन का एंगल, दोनों एक ही डायरेक्शन में देखो, कॉस 0 1 कर देना, बट ये इनटू डिस्प्लेसमेंट टेंशन कर दो, 6 स्मॉल m कैपिटल m g अपॉन 4 कैपिटल m प्लस स्मॉल m इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज हाफ। अभी आप लिखते रहे बैठना यहां पे है ना, s लिख दिया मैंने, आप लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना इसका, कर लीजिए ठीक है। यस सर। हाँ चलो, तो ये आया समझ में, देखिए आप सर इसमें एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपन मास से भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं, नेट फोर्स बाय मास पहली चीज तो मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं है ना। दूसरी चीज, नेट फोर्स बाय मास होता है कई सिचुएशन में आप लगा सकते हो, पर वो ऐसी सिचुएशन होती है जब ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो, यहाँ अलग अलग से चलेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन सेम नहीं इनका, सेम होता ना तो फिर ऐसी सिचुएशन में ही नेट फोर्स बाय मास का कॉन्सेप्ट लगता है ठीक है। हाँ, और मेरा मैंने यही कारण था, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ये मैंने नहीं बताया कभी नेट फोर्स बाय मास, क्योंकि ना उसको बच्चा क्या करता है फिर हर जगह लगाने लगता है तो गलतियां होती है। ओके यहाँ हम आपको जितने भी एलएन में टीचर्स है ना, वो अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं आपको और कोई चीज नहीं बता रहे तो सबके रीजन है, मतलब यहाँ सभी टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि सबको ये पता चल गया कि बच्चा क्या गलतियां करता है, तो थोड़ा सा पढ़ाने में हम ध्यान रखते हैं कि यार ये गलती बच्चा कर देगा तो अभी से ध्यान रखो, इसको ऐसा नहीं बताना, इसको ऐसे ही बताना ऐसा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो ये क्वेश्चन में बेसिकली वर्क निकालने को कहा था मैंने, जो सबसे एंड का छोटा सा पार्ट है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि वर्क निकालना तो एक जरा सा पार्ट है क्वेश्चन का, बाकी सब चीजें वो एनएलएम काइनेमेटिक्स वही सब रह गया इसके अंदर है ना। यस सर। हाँ, तो पुराना एक्चुअली सब अप्लाई होने लगता है जैसे जैसे आप मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे आप सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें आपको है ना ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगता है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट वहां लग जाते हैं, सब अप्लाई होते हैं। यस सर, सर्कुलर मोशन का भी। हाँ, सर्कुलर का सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, कंपोनेंट तो सभी जगह लगते हैं। यस सर, ये ना सर हमने। हाँ यस सर, ठीक है चलो बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते अपन, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए इन सभी में मैंने आपको फोर्स कॉन्स्टेंट दिया है और कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क निकलवाया। अब वेरिएबल फोर्स पे आते हैं अपन है ना, फोर्स जो बदल सकते हैं ऐसे फोर्सेस पे आते हैं ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे अपन, तो हटा रहा हूं ये सब मैं। निकालना कैसे है वर्क, तो बेसिक डेफिनेशन पता है आपको, इंटीग्रेशन वाली, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंटीग्रेट कर लो। तो पहले एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते, एक ब्लॉक है मास एम का, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मैंने आपको दे दिया है केटी स्क्वायर, द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज केटी स्क्वायर, देयर इज नो फ्रिक्शन, दिस इज स्मूथ ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन, सरफेस इज स्मूथ। फाइंड वर्क बाय दिस फोर्स इन टी टाइम, टी टाइम में फोर्स कितना वर्क कर रहेगा, करिए एक बार आप अटेम्प्ट, एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। के इज सम कॉन्स्टेंट हियर, पर फ्रिक्शन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या? क्या फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ब्लॉक का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आप सोचो, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस तो होगा, एक्सेलरेशन भी आएगा उसका। मैंने पहले क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दे दिया आपको, हाँ मैं आसान सोच रहा था पर वो गलती से मैंने बढ़ा ही दे दिया। वर्क निकालते हैं अपन इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से,
अब इसके लिए आपको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब क्वेश्चन में दिक्कत है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है और फोर्स भी वेरिएबल है, के टी स्क्वायर टाइम के साथ बदल रहा है, फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ लिखते आना चाहिए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, इस क्वेश्चन में मुझे क्योंकि टाइम के साथ फोर्स दिया है तो मैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी यूज कर रहा हूं। वी कैसे डिफाइन होता है? ds वेक्टर बाय dt। तो ds वेक्टर को मैं लिख सकता हूं v वेक्टर इनटू dt। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे फोर्स टाइम के साथ है तो मुझे है ds को टाइम में बदलना है, इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि यहां पे टाइम लेके आऊं। तो अब मैं अगर ये लिख दूं तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स जो भी है वो लिख देंगे अपन, डॉट v वेक्टर इनटू dt, ये हो जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। अब ये फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालो, है ना, इसके लिए मैं एक वेलोसिटी ढूंढता हूँ पहले क्या आएगी। तो मुझे पता है फोर्स इधर लग रहा है तो इधर एक्सेलरेशन आ रहा होगा ब्लॉक का, कितना एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से मैं लिख सकता हूँ फोर्स बाय मास, ये एक्सेलरेशन आना चाहिए, और एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डीटी, तो डीटी वहां ले जाऊं तो डीवी हो जाएगा मेरे पास के टी स्क्वायर बाय एम इंटू डीटी, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करो, जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी, टी टाइम पे टी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी, तो वी आ जाएगा के बाय एम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री, यस, तो टी टाइम पे वेलोसिटी आ गई मेरे पास, और वेलोसिटी ऑफ कोर्स इधर एक्सेलरेशन है तो इधर ही आने वाली है, फोर्स भी इधर है, तो बस अब वर्क के लिए मेरे पास जो जो चाहिए वो सब पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड के टी स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के बाय थ्री एम टी क्यूब इंटू डी टी, और इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो इनकी डायरेक्शन सेम ही थी इसलिए कॉस जीरो लगा दो। अभी तक की चीजें समझ में आई क्या, मैंने क्या क्या करा है प्लीज देखें, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, प्लीज देखिए अच्छे से, वर्क होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो यहाँ फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन में दिया है, तो इसलिए मैंने चाहा कि यहाँ पे टाइम आ जाए, तो टाइम लाने के लिए मैंने ये डेफिनेशन यूज करी, डिस्प्लेसमेंट को वी टी लिख सकता हूँ, तो वी टी लिखा। अब वी कैसे निकाले, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास विच इज डीवी बाय डीटी, डीटी यहाँ भेज के इंटीग्रेट करके मैंने वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। ये काइनेमेटिक्स हमने सीखा है ऐसा करते हुए, बताओ ये आया क्या? यस सर। सभी बच्चे कोई भी समस्या है तो बताइए। वर्षा क्लियर है सर? क्लियर है। बाकी बच्चे? यस सर। मैं थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन यार बच्चों ज्यादा, आप देख लीजिए एक बार सब बच्चे, किसी को दिक्कत हो तो। उदय सर क्लियर है? क्लियर है। विकास सर क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और वर्क कितने टाइम में चाहिए मुझे? जीरो से टी टाइम में चाहिए, तो बस अब इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका। तो के और के ये 3m, ये सब कांस्टेंट है, k स्क्वायर बाय 3m बाहर आ गया, t स्क्वायर t क्यूब t की पावर 5 उसका इंटीग्रेशन t की पावर 6/6, cos 0 1 हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो 0 और t में ये आएगा, ये आ गया आंसर, k स्क्वायर t की पावर 6, 6 3 जा 18m आंसर। यस सर। दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स इन t टाइम, दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स इन t टाइम। थोड़ा बड़ा हो गया था क्वेश्चन, शायद आपको डाउटफुल लग रहा होगा, पता नहीं, थोड़ी आवाज हमारी आपकी बच्चों की मुझको, है ना सर? ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ना? डायमेंशनली करेक्ट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये के की डायमेंशन अप्रोप्रिएट होगी कुछ वहां पे, के की डायमेंशन जो होगी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स दे दिया मैंने आपके किसी पार्टिकल पे, अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के साथ देता हूं। एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम था और कोई पार्टिकल हमारे, कोई ब्लॉक था हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, उसका मोशन हो रहा है इस तरह,
एक्स्ट्रा प्लेन में मोशन कर रहा है वो, उसका मोशन हो रहा है इस तरफ, ठीक है, उसका मोशन हो रहा है एक्स इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग, उसका मोशन हो रहा है एक्स इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग। वो स्टार्ट कर रहा था एक पॉइंट से 1,1,0 से, और जा रहा है 2,2,0 पर, और किस लाइन के लॉन्ग चल रहा है वो भी दिया आपको मैंने, है ना, उसकी लाइन का पाथ दिखा दिया मैंने आपको कैसे चल रहा है। उस पर जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो है एक्स स्क्वायर बाय टू आई माइनस वाई जे, एक्स स्क्वायर बाय टू आई माइनस वाई जे, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस पार्टिकल इस फोर्स से कितना वर्क हुआ है, करिए वर्क डन बाय दिस फोर्स, करिए सर वो कोऑर्डिनेट्स एक बार रिपीट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स आर 1,1,0 1,1,0 एंड दिस इज 2,2,0 1,1,0 से 2,2,0 जा रहा है। करिए ट्राई, वर्क डन पूछा है फोर्स का, फोर्स वेरिएबल दे दिया है मैंने, करिए ट्राई। सर वो फाइनल कोऑर्डिनेट्स एक बार बता दीजिए, दिख नहीं रहा। 2,2,0 2,2,0 ओके सर। चलिए आंसर एक्स वाई के फॉर्म में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट दे दिए थे, तो एक्स वाई के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। जिसका वो हो जाए वो अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो, है ना, जब तक मैं वो बता रहा हूं यहाँ पे फोर्स क्या है दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन वाइज दिया है, आप अगर ध्यान से देखे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग, एक्स वाई प्लेन में ये जो लाइन है
dx इक्वल टू y लाइन है ना, तो इस लाइन की प्रॉपर्टी होगी कि इसमें dx और dy सेम होगा, इसमें dx और dy सेम होगा, और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप खड़े हैं, आप इस पार्टिकल को किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो वहां x और y इक्वल आएंगे, है ना, इस लाइन की प्रॉपर्टी के वहां x और y इक्वल है। ठीक है, चलो अब वर्क निकालते, तो वर्क कैसे निकाला जाता है, वो होता है इंटीग्रेशन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम जिस लाइन पर चल रहे हैं उसकी खासियत है x और y इक्वल है, तो मैं x और y को इक्वल रख रहा हूं, x स्क्वायर बाय 2y माइनस y j, तो y को मैं x ही रख रहा हूं बिकॉज s ऑन अवर पाथ x इक्वल टू y, हम जिस पाथ पे चल रहे हैं उसको x और y इक्वल है, तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ एक्स और वाई इक्वल होने की, क्योंकि मुझे मुझे नहीं अच्छा लग रहा बार बार वाई भी लिखूं, वो लंबा हो जाएगा ना, ज्यादा वेरिएबल दिखेंगे, तो आसान लिखे इसलिए मैं एक्स और वाई को इक्वल रख सकता हूँ, इसलिए रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पाथ पे एक्स और वाई इक्वल है, डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वो होगा एक्स का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इंटू आई और जे, पर हमारे पाथ पे एक्स और वाई इक्वल है तो एक्स और वाई का छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होंगे, तो उसको dxj ही लिख दिया मैंने। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेते, डॉट प्रोडक्ट करा x स्क्वायर बाय 2i इनटू dxi, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx ये बचेगा मेरे पास, माइनस ये x इनटू dx करा बस ये आएगा। चल अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट कहां से कहां बदल रहा है, ये पूरे इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट ही, x कोऑर्डिनेट देखे तो 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2, अब 1 by 2 constant x square dx का integration x cube by 3, x cube by 3 limit डालेंगे, 1 by 2 into x cube by 3 और limit डाली तो 2 का cube 8 minus 1 का cube 1, बीच में minus sign x square by 2 और x square की limit 4 minus 1 हो गई, solve कर दो, 8 minus 1 7, 7 by 6 माइनस ये 4 माइनस 1 3 3 बाय 2 7 बाय 6 माइनस 3 बाय 2 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 7 बाय 6 माइनस 6 बाय सॉरी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो माइनस 2 बाय 6 आ रहा है आंसर, 9 माइनस 7 हाँ माइनस 2 बाय 6 ये आंसर आ रहा है, माइनस 2 बाय 6 देखो आ रहा है क्या, माइनस 2 बाय 6 आ रहा है मेरा तो आंसर, वापस से चेक कर भी लेता हूं मैं एक बार, कुछ गलती तो नहीं है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 8 माइनस 1 7 होगा, 7 बाय 6 होगा, माइनस वहां पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 का स्क्वायर 3 बाय 2, 3 बाय 2 में ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई, हाँ ये आ रहा है माइनस 2 बाय 6, या इसको आप माइनस 1 बाय 3 लिख सकते हो, दिस इज द आंसर, बस इसका आंसर आ गया, बताओ आ रहा है, मैच कर रहा है ये, वेरी गुड, कई बच्चे बोल रहे हैं उनका मैच कर रहा है, वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने पाथ की प्रॉपर्टी यूज करी, बिना यूज करे भी कर सकता था मैं, मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे लगा कि यार पाथ दिया है तो उसे यूज कर लेता हूं, मैं यूज नहीं करता अगर तो क्या होता, फोर्स को लिखते हम एक्स स्क्वायर बाय 2i माइनस वाई जे, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे लिख सकते हैं dx i प्लस dy j, x और y प्लेन में ही मोशन हो रहा है तो x और y के छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे प्लीज अभी ध्यान दीजिएगा जो मैं कर रहा हूं, है ना, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x स्क्वायर बाय 2i और dx ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस y और ये dy वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो y dy आने वाला है तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके, सही है क्या, यस सर, है ना, अब x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx इसे तो इंटीग्रेट करके लिख सकते हो जो जाएगा x क्यूब बाय 6 बीच का माइनस साइन y dy हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, सही बात है क्या सर, दोनों की लिमिट अलग होगी ना सर, हाँ लिमिट अलग होगी तो हम इसकी लिमिट डाल देंगे, शुरू में x और y 1 और 1 थे
और y और x और y दो बार में 2 और 2 हो गए, ठीक है। तो अगर लिमिट पुट करोगे आगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स की फाइनल वैल्यू का क्यूब विच इज 2³ माइनस एक्स की पहली वैल्यू का क्यूब 1³, फिर बीच में माइनस हाफ इंटू वाई की फाइनल वैल्यू का स्क्वायर माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना, देखो लिमिट पुट करेंगे तो देखिए देखिए बच्चों, यस सर, है ना। तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है मुझको यहां पर कि ये जो पाथ दिया था वो तो यूजलेस है, पाथ दिया वो तो यूजलेस है, मुझे केवल स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, देखो एंड में लिमिट रखने के लिए, और मैंने तो बिना पाथ के इंटीग्रेशन कर लिया था यहाँ पे, आ रहा था मैंने, यस सर, यस सर। तो ये जो फोर्स है इसमें कुछ खासियत है कि इसमें पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तो मैं पाथ का इंटीग्रेट यूज करके इंटीग्रेट कर रहा तो जो आंसर आएगा वही आ रहा वाला है यहाँ से भी, जरूरत ही नहीं थी पाथ की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिख रही है तो इस फोर्स की, समझ रहे हो आप, ठीक है। यस सर, ये ऐसा कुछ प्रॉपर्टी कुछ फोर्सेस में है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको आगे मैं यूज करवाऊंगा, ऐसे प्रॉपर्टी होती है कुछ फोर्सेस में कि भैया जिनका वर्क डन निकालने के लिए हमें पाथ की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे भी पास से जा रहे हैं उनका वर्कडन सिर्फ स्टार्टिंग एंड पॉइंट पता होना चाहिए है। चलो आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन दिया था इस पर आ जाते हैं अपन, हटा दो एक क्वेश्चन इधर वाला, यस सर। हाँ, किसी को डाउट कुछ पूछना हो इधर वाला कर लीजिए आप जब तक, और इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे, कोई भी डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो अब इस पे आ जाते हैं हम, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फोर्स लगा रखा है, उससे चेन है जिसकी L by 3 लेंथ मुझे अभी टेबल पे दिख रही है और कुछ लेंथ यहाँ पे 2L by 3 नीचे दिख रही है, और ऊपर लिखा है चेन ऑफ मास M, ये चेन का मास दिया है आपको M, इस पुल्ड अप अ टेबल स्लोली बाय एक्सटर्नल फोर्स F, उसे एक्सटर्नल फोर्स F लगा के स्लोली धीरे धीरे टेबल पर ऊपर चेन को लाया जा रहा है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग सो, इसको ऊपर लाने में वर्क कितना हो गया होगा, इसको ऊपर लाने में वर्क कितना हो गया होगा ये बताना है आपको, क्वेश्चन क्लियर है सबको, एनी डाउट इन क्वेश्चन, नो सर, वेरी गुड। अच्छा आप सबसे पहले तो ये बताइए ये जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, पहला पॉइंट तो ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा ये सबसे पहले समझिए, इसका रिप्लाई करिए मुझे जल्दी से, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा जल्दी, सर वेरिएबल होगा ना क्योंकि चेन को खींच रहे हैं सर हम कंटीन्यूअस, तो चेन लेंथ जो है वो हाँ स्लोली खींच रहे चेन को ना, तो स्लोली खेल रहे तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा कुछ होगा नहीं, वेट बैलेंस कर रहे होंगे, अभी जो फोर्स है वो इतने पोर्शन का वेट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इतने पोर्शन का वेट यहाँ का नॉर्मल बैलेंस कर देगा, और इतने पोर्शन का जो वेट है वो कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आपका फोर्स होना चाहिए बैलेंस करेगा जो, ठीक है। और जैसे जैसे चेन ऊपर जाएगी अब जो हैंगिंग लेंथ है वो तो बदलेगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे, अगर मान लीजिए हमने चेन को कुछ ऊपर पुल कर लिया है, थोड़ी चेन ऊपर आ चुकी है, उस समय देखोगे मान लो आपने यहां से एक्स लेंथ पुल कर ली है, तो अब लेंथ हो गई है एल बाय थ्री प्लस एक्स, तो यहां हो जाएगी आपके पास 2L by 3 माइनस एक्स, है ना। इस समय कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, तो इस समय जो फोर्स होना चाहिए वो इतने पोर्शन का वेट होना चाहिए, इतने पोर्शन का वेट कैसे निकाले, टोटल मास M, M मास है L लेंथ का, तो L लेंथ में M मास, यूनिट लेंथ में M by L मास, तो कितनी लेंथ है 2L by 3 माइनस एक्स, इस लेंथ में मास क्या आना चाहिए m by l into 2l by 3 minus x by unitary method, इतना मास आना चाहिए, और मास into g कर दो तो वेट आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वेट होना चाहिए मेरे पास m by l into 2l by 3
माइनस एक्स। ये एम बाई एल को आप मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो, इसे आप लेमडा वेमडा से रिप्रेजेंट करते हो। अभी सीओएम में आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना ये। आया ना कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब इतना जो हैंगिंग पोर्शन है उसका वेट जो लग रहा है वो ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और यहां जो टेबल पे रखा पोर्शन है उसका वेट यहाँ का नॉर्मल बैलेंस कर देगा। जो टेबल पे पोर्शन रखा है उसका वेट लगेगा जो भी उसका मास आएगा इतने हिस्से का, इतने हिस्से का जो भी मास है उसको मैं डब्ल्यू दिखा देता हूँ, वेट दिखा देता हूँ डब्ल्यू, और यहाँ एक नॉर्मल लग रहा होगा वो नॉर्मल इतने हिस्से को वेट को तो बैलेंस कर देगा, पर ये हैंगिंग पोर्शन का वेट बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, उसीलिए आपको यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो आपका फोर्स होना चाहिए हैंगिंग पोर्शन का वेट, ठीक है? तो आपका फोर्स देखिए कितना है, वो x पे डिपेंड कर रहा है, कितनी लेंथ ऊपर पुल कर चुके हो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फोर्स वेरिएबल हो गया। देखिए बोलो ये चीज क्लियर हो रही है क्या, फोर्स वेरिएबल है? यस सर। सभी बच्चे? यस सर। वेरी गुड। सो किसी समय जब x लेंथ पुल कर चुके हो तब का फोर्स ये है। अब छोटी सी लेंथ dx और पुल करी, छोटी सी लेंथ dx और पुल करी, तो डिस्प्लेसमेंट dx बोल सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट dx बोल सकता होगा dx लेंथ और पुल करी, तो वर्क कैसे निकालेंगे फिर हम? फोर्स इतना ही लग रहा होगा भाई, लेंथ में छोटा सा इंक्रीमेंट करा तो फोर्स ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, तो इतना फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी इधर रहा होगा, इसे cos 0 लगा देना, बस इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट योर वर्क डन। वर्कडन निकालने के लिए अभी x वेरिएबल, x कहां से कहां बदलेगा, तो x शुरू में 0 और जब पूरी चेन ऊपर आ गई तो 2l/3, तो वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2l/3, वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2l/3। ओके, आ रहा है समझ में? Is it clear? किसी yes, भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो फटाफट पूछिए। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी लाइन समझ नहीं आई हो, अगर आपको एक भी चीज समझ नहीं आई हो तो पूछिए। सर ये f की वैल्यू बता दीजिए एक बार, कैसे लिखते हैं f की वैल्यू? फिर से बता देते हैं। देखिए हमने एक चेन को कुछ हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है और कुछ हिस्सा यहाँ पे हैंग कर रहा है, तो जो टेबल पे रखा पोर्शन है उसका वेट नीचे लग रहा होगा और यहां टेबल की वजह से नॉर्मल भी आ रहा होगा, तो टेबल पे जो पोर्शन रखा है उतना वेट यहां पे नीचे लग रहा है उतना यहां नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, पर जो हैंगिंग पोर्शन है इसका वेट जो नीचे लग रहा है ये बैलेंस करने वाला कोई नहीं, ये बैलेंस करने वाला कोई नहीं, बिकॉज चेन फ्लेक्सिबल होती है, तो आप है ना ऐसा सोच सकते हो कि ये हिस्सा काट के ये पोर्शन अलग ये पोर्शन अलग, तो इस पोर्शन का जो वेट है वो वेट इस चेन को ऐसे नीचे पुल कर रहा है, उसे रोकने के लिए उतना ही फोर्स आपको यहां लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। सो अब ये फोर्स कितना लगाना चाहिए वो आपको पता चल गया, वो पता चल गया कि हैंगिंग पोर्शन का वेट, हैंगिंग पोर्शन का वेट कितना होगा, मास इंटू जी, मास इंटू जी, जी लगाना था और यहां पे यार मेरे को जी नहीं लगाया था मैंने, तो एक जी और लगा देना प्लीज इसमें, मास इनटू जी, तो ये मास इनटू जी आपको इतने फोर्स लगाना पड़ रहा है। नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज द लेंथ हैंगिंग हियर इज गोइंग टू वेरी, जैसे जैसे चेन ऊपर जाएगी ये लेंथ जो यहाँ है वो बदलेगी, इट विल चेंज। क्लियर है? वो मैं वही देख रहा था कि मतलब वो जी नहीं लिखा हुआ था ना वहां पर। अच्छा अच्छा, सॉरी, कंफ्यूजन हो रहा था। ओके ओके, एनी अदर डाउट? सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे टेबल के ऊपर हम F फोर्स से ऊपर पुल कर रहे हैं तो उसकी अब हम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास ऑफ चेन की बिल्कुल 100% वैसा कर सकते हैं। जो पार्ट सर वो हैंगे नीचे टेबल के, अभी मैंने वो पढ़ा नहीं था पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने वो यूज नहीं करा। यस सर। हाँ हाँ, मतलब मैं वो यूज कर सकता हूँ ना जो मैंने पढ़ाया, इसलिए है ना, तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती बताया नहीं मैंने आपको, इसलिए मैंने उसे यूज नहीं करा। चलिए, एनी अदर डाउट? ओके वेरी गुड। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल लेना। तो आज हमने क्या देखा, हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन के क्वेश्चन देखे, वर्क कैसे निकालते हैं इस पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन था आज।
वर्क के बाद पावर का कॉन्सेप्ट वो छोटा सा है, नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट कर लेंगे पावर के कॉन्सेप्ट को. देन एनर्जी इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट. तो वर्क पावर एनर्जी का जो बड़ा कॉन्सेप्ट बचता है देयर इज एनर्जी. वर्क सीख गए, एनर्जी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई सारे तरह की एनर्जी क्या क्या होती है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम विच इज द बैकबोन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास का अपना थ्योरी पोर्शन रहेगा. चलिए, एंड मोर ओवर आपको क्वेश्चंस वगैरह आप करिए, सर्कुलर मोशन की रेस मुझे भेजना बाकी है. यस, मैं अभी ट्राई करता हूँ भेजने की, है ना. बाकी आप मॉड्यूल वगैरह स्टार्ट कर दीजिए. और मुझे ऐसा लग रहा है वर्क पावर एनर्जी का जो मॉड्यूल है वो मैं भेज चुका हूँ आपको, वो सेंटर ऑफ मास वाले के साथ में ही है ना, वो आपके पास है ऑलरेडी. वो है सर. हाँ बिल्कुल सही, उसी में सर्कुलर मोशन भी किया है तो उसके क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर सकते हो आप. चलिए ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.